डॉग्स इंसानों के सबसे वफादार दोस्त, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई कुत्ते हैं जो वफादार से ज्यादा खूंखार हैं। ये वो डॉग्स हैं जिन्हें कई देशों में बैन किया जा चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नंबर 10, डॉबरमैन। इन डॉग्स को डेविल डॉग भी कहा जाता है। ये वो कुत्ते हैं जिनसे कुछ मीटर की दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। वैसे इनका इस्तेमाल ज्यादातर गार्ड डॉग्स के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि उतने ही चौकन्ने भी हैं। क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये काफी ज्यादा चुस्त, आक्रामक और फुर्तीले होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई देशों में इन पर बैन तक लगाया जा चुका है। नंबर 9, ग्रेट डेन। ये डॉग दुनिया में सबसे बड़े और लंबे डॉग्स की लिस्ट में अव्वल नंबर पर है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि लोग इन्हें किलिंग मशीन कहते हैं, इसीलिए इन्हें पालने के पहले खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इनकी ताकत कई कुत्तों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसका वजन 90 किलोग्राम और हाइट 85 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये बेहद आक्रामक होते हैं और थोड़ा भी खतरा महसूस हो तो हमला करने से पीछे नहीं हटते। नंबर 8, तिब्बतन मैस्टिफ। इसके शरीर पर इतने बाल होते हैं जैसे कोई भालू, लेकिन ये न सिर्फ भालू के जैसा विकराल दिखता है बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये प्लेफुल नहीं होते और जैसे हमेशा गुस्से में रहते हैं। ये भारी भरकम जरूर होते हैं, लेकिन 6 फीट की ऊंचाई तक छलांग भी लगा सकते हैं। ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। कभी ये डॉग्स करीब 3 करोड़ रुपए तक बिकते थे। चीन में कुत्ता स्नो टाइगर पर अटैक तक कर सकता है। नंबर 7, पैरोप्रेसा कैनेरी। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेने के मामले में यह कुत्ता 4th नंबर पर है। कैनरी आइलैंड से ताल्लुक रखने वाले ये कुत्ते इतने खूंखार हैं कि इनकी खरीद, बिक्री और इन्हें पालना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बैन है। इन कुत्तों को 18वीं सदी से पहले तक फाइटिंग डॉग्स की तरह ट्रेन किया जाता था और शिकार करने और दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता था। नंबर 6, वुल्फ हाइब्रिड। डेंजरस डॉग्स के मामले में ये नंबर 6 पर आते हैं। वुल्फ हाइब्रिड, जैसा इनका नाम है आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इनका भेड़ियों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है, और आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये डॉग वुल्फ ब्रीड का क्रॉस होता है। ये बेहद खूंखार होते हैं और ज्यादातर जर्मनी और यूरोप जैसे देशों में पाए जाते हैं। गुस्से में तो ये कई बार अपने मालिक पर भी अटैक कर देते हैं, इसीलिए इनका दिमाग शांत रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर कराई जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका में साल 1979 से 1998 के बीच इन कुत्तों ने 14 लोगों की जान ले ली। नंबर 5, जापानी टोसा। इस कुत्ते का इस्तेमाल जापान में कभी खूनी खेलों के लिए किया जाता था। इस वजह से कई देशों में इन पर बैन लगाया जा चुका है। वैसे तो इनका शरीर देखकर ही आप इनकी डाइट का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अकेले एक डॉग कई किलो मांस खा सकता है, इसलिए इसे पालना भी काफी महंगा होता है। नंबर 4, रॉटवेलर। इनका चेहरा होता तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा है वो शिकारी, जिसके जबड़े में शिकार एक बार फंस गया तो समझो गया। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर सही से ट्रेन न किया जाए तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये एक बार शरीर के जिस हिस्से पर पकड़ लेते हैं उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये खुद नहीं चाहते। इसके खतरे का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि अकेले अमेरिका में ये डॉग अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। नंबर 3, पिटबुल। ये डॉग कितना डेंजरस है इसका अंदाजा आपको हाल ही में लखनऊ से आई एक खबर से लग गया होगा, जहां इसने एक बुजुर्ग महिला पर कुछ ऐसे हमला किया कि उनकी जान तक चली गई। अमेरिका में कुत्ता 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रीड माना जाता है। इनका जबड़ा सारे डॉग ब्रीड्स में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर ये इंसान के किसी हिस्से पर पकड़ ले तो वहां से पूरा का पूरा मांस निकाल कर ही दम लेते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि 2 से 3 पिटबुल मिलकर एक लेपर्ड को चीर सकते हैं, इसलिए इसे कई देशों में बैन किया जा चुका है। नंबर 2, डोगो अर्जेंटिनो। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पिटबुल से ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है, तो पेश है डोगो अर्जेंटिनो। इसका चेहरा, इसका शरीर, इसका गुस्सा बताने के लिए काफी है कि यह कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके डेंजरस होने का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि यह डॉग यूके और कई देशों में बैन है। पुराने जमाने में इनका इस्तेमाल शिकार और डॉग फाइट के लिए किया जाता था। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर 2-3 डॉग अर्जेंटिनो मिल जाएं तो एक शेर का भी शिकार कर सकते हैं, और अकेले एक जंगली सुअर को तो मार ही दें। इनकी ताकत का अंदाजा सिर्फ इससे लगाइए कि कई बार तो इन्हें मोटी चेन से कंट्रोल करना पड़ता है।
साल 2012 में इसने लाइव प्रोग्राम के दौरान एक एंकर के चेहरे पर काट लिया था, जिसके बाद एंकर के चेहरे पर 17 टाके लगाने पड़े थे। नंबर 1, कंगाल। और अब हाजिर है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, जिसका नाम है कंगाल। ये देखने में आपको एक आम कुत्ता लगे, लेकिन इसके सूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि इसकी सीरत बहुत खतरनाक है। यह टर्किश कुत्ता कंगाल नाम के एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। यह बहुत ही उम्दा पहरेदार होते हैं, जिसे लोग सुरक्षा के लिए पालते थे। इनका बाइट फोर्स बताने के लिए काफी है कि ये कितने डेंजरस हैं। 743 PSI, यानी एक शेर से भी ज्यादा, और चीते से तो करीब 1.5 गुना ज्यादा। इसी वजह से इसे खतरनाक कुत्तों में सबसे ऊपर गिना जाता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डॉग्स, जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कई वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलें।